शरीर का। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है,